हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दिस इज और दिस आर का यूज। दिस इज का यूज हम लोग कहां करेंगे और दिस आर का यूज हम लोग कहां करेंगे। दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, जहां सिंगुलर एक वस्तु हो वहां हम दिस का यूज करेंगे, ठीक है ना। और दिस का यूज कहां करेंगे, जहां पर देखेंगे कि हम एक से अधिक वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है ना। मोर देन वन, एक से अगर ज्यादा वस्तु हो तो वहां हम दिस का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं यूज ऑफ दिस इज और दिस आर। दिस मीन्स क्या होता है, दिस मीन्स होता है यह, और दिस मीन्स होता है ये, ठीक है। यानी कि दिस का प्लूरल होता है ये दिस, यह का प्लूरल होता है ये। दिस सिंगुलर एक वस्तु को डिनोट करता है और दिस यानी ये प्लूरल को, यानी कि एक से अधिक वस्तु को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये एक पेन है, ठीक है। हम यहां क्या लिखेंगे, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन सिंगुलर है, इसलिए एक वस्तु में हम दिस का यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर एक से ज्यादा पेन दिख रहा है, यहां हम कैसे यूज करेंगे, दिस आर पेन्स। यहां एक का यूज हुआ क्योंकि ये सिंगुलर एक को डिनोट करता है, इसीलिए दिस इज अ पेन। और यहां पर प्लूरल है, एक से ज्यादा कलम नजर आ रहा है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, दिस आर पेन्स, यानी कि एक वस्तु में दिस इज और अनेक वस्तु में दिस आर, समझ आ रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट, ये है एप्पल, यहां पर एक एप्पल है और यहां पर एक से अधिक एप्पल है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे, है ना। दिस इज एन एप्पल, एक है ना, इसलिए दिस इज का यूज हुआ, ठीक है। उसी तरह यहां पर एक से अधिक है तो क्या लिखेंगे, दिस आर एप्पल्स, एक से अधिक है इसलिए क्या यूज हुआ, दिस आर। एक रहे तो दिस इज का यूज करेंगे और एक से ज्यादा रहे तो दिस आर का यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर एक पेन है, दिस इज अ पेन, यहां पर एक एप्पल है, दिस इज एन एप्पल, यहां पर एक से अधिक पेन है इसलिए दिस आर पेन्स, यहां पर एक से अधिक एप्पल है इसलिए दिस आर एप्पल्स, ठीक है ना। उसी तरह से एक बॉल है, क्या यूज करना है, दिस दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल, एक है इसीलिए दिस इज का यूज किया, ठीक है ना। यहां पर एक से अधिक है, क्या यूज करेंगे, दिस आर बॉल्स, समझ में आ रहा है ठीक से। एक बॉल के लिए दिस इज और अनेक बॉल के लिए दिस आर। इस तरह से जितनी भी वस्तुएं हैं अगर सिंगल हो, एक हो, तो दिस इज का यूज करेंगे, और वस्तु एक से अधिक हो तो दिस आर का यूज करेंगे। यहां सब में आप देख रहे हैं कि एक से ज्यादा वस्तुएं हैं, इसीलिए सब में दिस आर का यूज हुआ है, दिस आर दिस आर दिस आर। यहां पर सिंगल वस्तु है सब में, इसलिए दिस इज और दिस इज का यूज हुआ है, ठीक है। आया समझ में, दिस इज का यूज कहां करेंगे, एक वस्तु पर, दिस आर का यूज कहां करेंगे,
एक से अधिक वस्तु पर। आ गया समझ में? अब कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल करना है ना, क्या फिल करना है? दिस इज और दिस आर, कहां दिस इज फिल करना है, कहां दिस आर फिल करना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल, ये कुछ एग्जांपल्स है ना, यहां पर दिस इज और दिस आर का यूज करना है। ए कैप, एक कैप है, इससे पहले हम लोग जाने कि जब एक वस्तु हो तो क्या यूज करेंगे, दिस इज ए कैप। यहां पर एक से अधिक है, एक से अधिक है तो क्या यूज करेंगे हम, दिस आर, यस दिस आर बैग्स। यहां भी एक से अधिक वस्तु है, क्या लिखेंगे, दिस आर। यहां पर एक थिंग है, डॉग सिंगल है, क्या लिखेंगे, दिस इज। यहां पर भी एक से अधिक है, क्या लिखेंगे, दिस आर। दिस इज अ कैप, दिस आर बैट्स, दिस आर ट्रीज, दिस इज अ डॉग, These are leaves। आ गया समझ में कैसे फिल करना है? सिंगल है वहां पर this is का यूज करना है, ठीक है। जहां जहां सिंगल है, यहां सिंगल है, यहां सिंगल है, एक है इसलिए this is का यूज किया, एक से अधिक है वहां पर these are का यूज करना है। समझ में आ गया? बार बार समझने के लिए वीडियो को पॉज करना है या बैक करके देखना है। इस तरह से आपको दिस इज और दिस आर का यूज समझ में आ जाएगा। ओके?